दोस्तों, किसी ने सही कहा है, जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा और संपत्ति आ जाती है तो उसके शौक भी काफी बढ़ जाती है, जो उसे लगातार उन्नति से कर्ज की तरफ धकेलता है। अगर बिजनेस में सही रणनीति को ना अपनाया जाए तो चाहे कितना भी टैलेंटेड और पैसे वाला आदमी क्यों ना हो, बिजनेस में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक समय के लिए दुनिया पर राज कर सकता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। ऐसा ही कुछ अनिल अंबानी जी के साथ हुआ था। एक समय वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों के लिस्ट में छठे स्थान पर थे, लेकिन वर्तमान समय में उनका नामोनिशान पूरी तरीके से मिट चुका है। जो कंपनियां कुछ समय पहले पूरी दुनिया पर राज किया करती थी, आज वो बिकने के कगार पर आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अनिल अंबानी जी इतने कर्ज में डूब गए। उन्हें अपनी कंपनियां बेचने तक की नौबत आ गई। अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी कि बिजनेस के फील्ड में किन मिस्टेक की वजह से इंसान असफल हो जाता है। धीरू भाई अंबानी जी के दो बेटे थे, जिसमें एक का नाम मुकेश अंबानी और दूसरे का नाम अनिल अंबानी था। धीरू भाई अंबानी जी ने अपनी मेहनत से रिलायंस इंडस्ट्री को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, लेकिन 2002 में उनकी मौत होने के बाद अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी इनकी संपत्ति के दावेदार थे। शुरुआत से ही मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच खटपट रहती थी, क्योंकि दोनों को ऐसा लगता था कि पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनमें से किसी एक का हाथ है। पिता की मौत के बाद दोनों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया। अनिल अंबानी को नई कंपनियां दी गई, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल थी। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी को पुरानी कंपनियां दी गई थी, जिनका फ्यूचर ब्राइट नहीं था। अनिल अंबानी ने नई कंपनियों में कारोबार को शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ता चला गया, क्योंकि अनिल अंबानी जी की कंपनी को टक्कर देने वाले उस समय कोई भी कंपनी नहीं थी। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ, उस समय मुकेश अंबानी की संपत्ति 49 लाख थी और अनिल अंबानी की संपत्ति 45 लाख। लेकिन कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से काफी आगे निकल जाएंगे। लोगों का ये अनुमान सच हो गया और 2008 में अनिल अंबानी मुकेश अंबानी जी से काफी आगे निकल गए, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में छठे स्थान पर पहुंच गए। उस समय तक भारत में 2G और 3G की सर्विस केवल अनिल अंबानी जी की कंपनी ही प्रोवाइड करती थी। अब धीरे धीरे उन्होंने अपने बिजनेस को बदलना शुरू कर दिया और भारत में 4G शुरुआत करने पर जोर दिया जाने लगा। शायद यही गलती अनिल अंबानी जी पर भारी पड़ गई। अपने बिजनेस को और अधिक फैलाने के चक्कर में उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब कर्जे के बोझ में डूबते चले गए। अनिल अंबानी ने साल 2005 में एडलैब्स और 2008 में ड्रीम वर्क के साथ करार किया, क्योंकि अनिल अंबानी जी चाहते थे कि दुनिया पर किसी भी तरीके से वर्चस्व कायम किया जाए। ड्रीम वर्क के साथ उनका करार $1.2 अरब का था। फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में भी हाथ डाल दिया। इंटरनेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में अनिल अंबानी को खासी बढ़त नहीं मिली और 2014 आते आते उनकी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां लगातार कर्जे के बोझ में डूबती चली गई। कर्ज को कम करने के लिए अनिल अंबानी जी ने अपनी कंपनियां बेचना शुरू कर दिया, लेकिन इन कंपनियों के बेचने से भी उन्हें कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाई। 2008 में जहां अनिल अंबानी जी का मार्केट कैप 2,36,000 करोड़ रुपए था, वो 2014 के आते आते घटकर 1 लाख से कम का रह चुका था। एक तरफ कंपनियों से तो उन्हें घाटा चल रही थी, साथ ही उन्होंने अपनी संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया था। जब उनके पास ज्यादा पैसा था तो वे महंगे महंगे जेट्स में घूमना, महंगी महंगी संपत्ति खरीदना और घूमने फिरने जैसे गलत सोच उन्हें बर्बादी की तरफ ले जा रही थी। दूसरी तरफ अनिल अंबानी जी के भाई मुकेश अंबानी लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। मुकेश अंबानी पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री से नहीं जुड़े थे, लेकिन 2016 में वे रिलायंस जियो का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिन्होंने एयरटेल और BSNL जैसी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। इसी की वजह से अनिल अंबानी जी की कंपनी को भी काफी अधिक घाटा हो गया, जिसकी वजह से उन्हें बिग सिनेमा, रिलायंस बिग ब्रॉडकास्टिंग और बिग मैजिक जैसे कंपनियों को बेचना पड़ा। अनिल अंबानी ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक 2015 में की। उन्होंने डिफेंस सेक्टर में अपनी किस्मत आजमाने के लिए पीपा भाप कंपनी को खरीद लिया, जो पहले से ही 700 करोड़ रुपए के बोझ में दबी हुई थी। देखते ही देखते आने वाले कुछ समय में इस कंपनी पर 10,500 करोड़ से भी अधिक का कर्ज अनिल अंबानी पर हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें इस कंपनी को बेचना पड़ा और उन्हें भारी नुकसान हो गया। 2018 के आते आते अनिल अंबानी इतने कर्ज में डूब चुके थे कि उनके ऊपर 1,00,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज हो गया था, जिसके बाद अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को कोर्ट बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा। जहां पहले ऑरकॉम कंपनी की आय 20,000 करोड़ रुपए हुआ करती थी, वो 2020 में घटकर 1,734 करोड़ रुपए हो चुकी थी।
10 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत में से एक रहे अनिल अंबानी की रिएक्शन कंपनी के देनदारी ना चुकाने पर जेल जाने तक की नौबत आ गई और इनके खिलाफ कोर्ट केस भी हो चुका था। यहां तक कि अनिल अंबानी ने अमेरिका के कोर्ट में खुद को दिवालिया तक घोषित कर दिया था। कई प्रतिद्वंदियों का कहना ये है कि अनिल अंबानी बेहद महत्वाकांक्षी थे, डिसीजन लेने में जरा भी समय नहीं लगाते थे, चाहे उनका परिणाम कुछ भी हो। इसीलिए उन्होंने एक से ज्यादा बिजनेस सेक्टर में कदम रखा, जबकि अनिल अंबानी के समर्थन में खड़े लोगों का मानना यह है कि उनके कुछ कंपनियों की हालत इसलिए खराब हुई क्योंकि पूरा सेक्टर ही खराब दौर से गुजर रहा था। मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था और बड़ी से बड़ी कंपनियां भी मंदी के दौर से गुजर रही थी। अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन कर्ज उतारने के लिए खुद ही दिवालियापन के रास्ते पर चलने को तैयार है, क्योंकि वर्तमान समय में सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि बिना अपनी संपत्ति को बेचे अनिल अंबानी कभी भी इस कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र की कई परियोजनाएं अधूरी पड़ी है और कर्ज का बोझ कम करने के लिए कंपनी कई कीमती पूंजी बेचने को तैयार है। आर्कम पर एरिक्सन कंपनी ने दावा किया है कि उनसे 550 करोड़ रुपए उधार लेकर अनिल अंबानी जी ने अपनी कंपनी पर इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी वजह से अनिल अंबानी पर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा था। हालांकि बड़े भाई मुकेश अंबानी जी ने अनिल की समय रहते मदद कर दी, जिससे अनिल ने अपनी देनदारी चुका दी। मुकेश अंबानी जी आज भी दरियादिल इंसान हैं। अपने भाई से इतने खराब रिलेशन होने के बावजूद भी उन्होंने समय रहते हुए अपने भाई और अपने परिवार की इज्जत को बचा लिया। मुकेश अंबानी अनिल अंबानी की सभी कर्जों से उन्हें मुक्ति नहीं दिला पाए। अनिल अंबानी की रक्षा कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग भी कर्ज तले डूबी हुई है। इसके अलावा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर की भी हालत खराब है। वर्तमान समय में केवल अनिल की वित्तीय कंपनी रिलायंस कैपिटल अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इस कंपनी ने भी कई मौके गवाए हैं। वहीं बजाज फाइनेंस, श्रीराम कैपिटल और कैपिटल फर्स्ट पिछले कुछ सालों में लगातार मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसीलिए लोगों को उम्मीद है अनिल अंबानी के बिजनेस फील्ड में कुछ सुधार ला सकती है। लेकिन जिन लोगों ने रिलायंस कम्युनिकेशन पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, आज उनका पैसा जीरो हो चुका है, उसकी वैल्यू ना के बराबर हो चुकी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बिजनेस इंसान को आबाद करने के साथ साथ बर्बाद भी कर सकता है, अगर सही समय पर सही डिसीजन ना लिया जाए। अनिल अंबानी जी के बर्बाद होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने अपने एरिया को काफी बढ़ा दिया था। अनिल अंबानी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपने न्यू जनरेशन वाली कंपनियों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें धीरे धीरे सभी कंपनियों में असफलता प्राप्त होती चली गई। अगर अनिल अंबानी अपना पूरा फोकस इन्हीं कंपनियों पर रखते तो शायद आज दुनिया में ये अमीर आदमियों के लिस्ट में शामिल हो पाते। अगर देखा जाए तो रिलायंस कम्युनिकेशन को बर्बाद करने के पीछे का कारण कहीं ना कहीं जियो भी रहा है। मार्केट में जियो आने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए सक्सेसफुल लोगों से जुड़ी स्टोरी लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।